नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी ने दावा किया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर उसके नेतृत्व के लिए अहम खतरा पेश कर रही है। उन्होंने आगाह किया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन ऐसे कदम उठाने की कोशिश कर रहा है जिससे अमेरिकी उद्देश्य और हित प्रभावित हो सकते हैं। उधर व्हाइट हाउस के नेशनल सेक्रेटरी प्रवक्ता जॉन किब्री ने कहा कि चीन को लेकर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी ये प्रतिक्रिया चीनी विदेश मंत्री के उस दावे के बाद आई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की नीतियों की वजह से संघर्ष का खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ बीते सोमवार को अमेरिका पर चीन को दबाने का इल्ज़ाम लगाने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को उन्नत बनाने का जोर दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीनी सेना को जंग जीतने की रणनीतिक क्षमता बेहतर करते हुए वर्ल्ड क्लास स्तर हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। चीन और अमेरिका की गिनती दुनिया के दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में होती है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे पर मतभेद हैं, इनमें ताइवान कारोबार और यूक्रेन युद्ध अहम है। हाल में दोनों देशों के रिश्ते में आई तल्खी उस वक्त बढ़ गई जब अमेरिका ने चीन के एक मानव रहित गुब्बारे को गिरा दिया। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहें INL न्यूज।